हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर डाउट की वीडियो ऑफ दिस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस डाउट के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं AIEEE 2009 का क्वेश्चन, जो कि हमारा 3D ज्योमेट्री चैप्टर से है। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है देख लेते हैं। लेट द लाइन x-2/3 इक्वल y-1/-5 इक्वल z+2/2 लाई इन द प्लेन x+3y-αz+β=0, देन α, β = -6, 7, 5, -15, -5, 5, 6, -17। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा वो तो हम बता देंगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए फटाक से इसको सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन आपको छोटा सा काम करना है उससे पहले। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर ठोक देना। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या इक्वेशन दे रखी है उसको हम पहले लिख लेते हैं, उसके बाद क्या कॉन्सेप्ट लगने वाला है उसको भी हम देख लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को हम फटाक से पूरा सॉल्व कर देंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास लाइन की इक्वेशन दे रखी है, लाइन जिसकी मैं एल से इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। ये हमारे पास कितनी दे रखी है, x-2/3 इज इक्वल टू y-1/-5 इक्वल टू z+2/2, ठीक है। ये हमें दे रखी है लाइन की इक्वेशन। अब और हमें क्या दे रखा है, और हमें दे रखी है भैया प्लेन की इक्वेशन, क्योंकि भैया p से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये हमें क्या दे रखा है, x+3y-αz+β=0, ये हमें दे रखा है, ठीक है। और हमसे पूछा क्या गया है, अल्फा और बीटा की वैल्यू बता दो भैया, ठीक है। यही तो हमसे पूछा गया है, ठीक है, ये सब हमसे पूछा गया है। अब देख लेते हैं हमारे पास क्या इसमें कॉन्सेप्ट लगना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कॉन्सेप्ट, ठीक है, इसको आपको जरूर से याद रखना है। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक प्लेन बना लेता हूँ। देखिए, एक हमारे पास ये प्लेन है, ये एक प्लेन है, छोटा ही बनाया, ज्यादा बड़ा नहीं बनाया। इसमें एक लाइन है, मैं इस क्वेश्चन को ही बना रहा हूँ। देखिए, ये मेरे पास प्लेन है जिसको मैं P से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और ये मेरे पास एक लाइन है, ठीक है, जिसको मैं L से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इस पे एक पॉइंट है A, जिसको हम बाद में देखेंगे, मैंने एक पॉइंट इस पे बना दिया है रैंडमली, ठीक है। अब देखिए क्या बात हो रही है, ये जो प्लेन है आप इसको धरती समझे या फिर फ्लोर है उसको आप समझे, बिल्कुल फ्लैट। उस पे आपने क्या डाल दिया, एक स्टिक डाल दी, एक स्टिक किसी भी डायरेक्शन में डाल दी। अपना एक रूम है, उसमें आपने जो फ्लोर है उस पे आपने एक स्टिक डाल दी। अब क्या किया आपने, आपने एक और स्टिक ली जो कि उस जो फ्लोर है उस पर आपने खड़ी कर दी। तो उस फ्लोर पर अगर आपने वो स्टिक खड़ी कर दी, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, देखिए इस तरह से, तो वो फ्लोर के परपेंडिकुलर होगी पहली बार, ठीक है, और जो स्टिक उस पर पड़ी है उसके भी तो परपेंडिकुलर होगी। तो डायग्राम में यहाँ पे समझ नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप इसको विजुलाइज करें, दोबारा से विजुलाइज कीजिए। देखिए, सबसे पहले आप एक कमरे में बैठे हैं, उस पर आपका जो फ्लोर है, जो आपकी जमीन है, उस पर आपने क्या एक स्टिक डाल दी, जमीन पे ऐसे ही पड़ी। उसके बाद आपने एक और स्टिक ली जो कि आपने उस जमीन की क्या कर दी, परपेंडिकुलर कर दी, मतलब उसकी उस जमीन पर आपको खड़ी करनी है वो स्टिक। आपने इसको खड़ी किया तो आपने क्या देखा कि उस जमीन है और जो स्टिक है उसके बीच में कितना एंगल बन रहा है, बताओ 90 डिग्री बन रहा है। अब ठीक है, तो सिमिलरली जो स्टिक जो पड़ी है उसके साथ भी कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। अगर हम जो स्टिक है जो पड़ी हुई है उसकी अगर हम जो विड्थ है उसको नहीं काउंट करते, तो उसको हम जमीन में ही अगर इंक्लूड कर लेते हैं, तो वो भी हमारे पास कितना बनाएगा एंगल, 90 डिग्री का बनाएगा ना। तो यहाँ तक अगर आपको क्लियर है तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व हो चुका है, अब बस कैलकुलेशन करनी है। तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए कितना एंगल बन रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, और ये हमारे पास क्या है, इसको मैं नॉर्मल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जो हमने फ्लोर पर खड़ी की स्टिक को मैं उसको नॉर्मल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो अगर हम यहाँ से अगर लाइन के अगर मैं सिंपल जो जनरल इक्वेशन होती है उसको अगर मैं लिखना चाहूँ, तो वो क्या होती है, x-x1/a इज इक्वल टू y-y1/v इज इक्वल टू z-z1/c, ठीक है। और यहाँ पर जो a, b, c क्या है बताओ, ये है हमारे पास इसके डायरेक्शन रेशियोज। किसके डायरेक्शन रेशियोज हमारे पास है, किसके, लाइन के, किसके है, लाइन के, ये ध्यान आपको जरूर रखना है, ठीक है। ये तो हमारा रहा पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट की बात कर लेते हैं। अब दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, देखिए प्लेन की इक्वेशन लिख लेते हैं, वो क्या होती है, जनरल इक्वेशन ax+by+cz+d। मैं आप कैपिटल जेंट कर रहा हूँ एबीसी को, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमने यूज कर लिए स्मॉल वाले, ठीक है। अब यहाँ पर जो एबीसी है वो क्या है, a, b, c क्या है, ये है इसके डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज किसके, डायरेक्शन रेशियोज प्लेन के, ऑफ प्लेन, ठीक है। और एक और बात मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, x1, y1, z1 ये क्या है, ये भी आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रखना है, बड़ा ही सिंपल सा है। x1, y1 और z1 हमारे पास है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ x1
Y1 और Z1 ये हमारे पास क्या है, कॉमा लग रहा है देखिए यहाँ पर, ये कॉमा और ये भी कॉमा, ये हमारे पास है पासिंग पॉइंट। ठीक है, ये हमारे पास क्या है भैया, पासिंग पॉइंट है, पासिंग पॉइंट जो कि मैंने A से प्रेजेंट यहाँ पर कर दिया है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, A पॉइंट है। ठीक है, A पॉइंट है, क्लियर है यहाँ तक। ये हमारा जो पासिंग पॉइंट है ये लाइन पर ही होता है, मतलब कि इस पॉइंट से ये लाइन जरूर पास होगी, चाहे किसी से हो चाहे ना हो। ठीक है, अब देखिए ये तो हमारा कॉन्सेप्ट था, तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसको मैं स्टमार्क कर देता हूँ और आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब मैं पहले यहाँ पर बात कर लेता हूँ लाइन की, अगर मैं यहाँ पर अगर लाइन की बात कर लेता हूँ तो देखिए A, B, C के तो वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, यहाँ से अगर मैं कंपेयर कर लेता हूँ, ABC यहाँ पर है, ABC नीचे अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो कितनी हो गई, 3-5 और 2 साइन के साथ लेना है। अब देखिए और हमारे पास क्या है, एंड, एंड हमारे पास है X1, Y1 और Z1 की वैल्यू भी हम लिख लेते हैं, अब वो कितनी हो जाएगी, देखिए ये माइनस माइनस के साथ लेना है, जो भी यहाँ पर साइन है उसको अगर माइनस है तो आपको एज इट इज लेना है, और अगर प्लस है तो आपको समझ लेना है यहाँ पर आपको माइनस के साथ लेना है। देखिए मैं लिख देता हूँ जब आपको समझ आएगा, X1 -X1 और -2 अगर हम इक्वेट करते हैं तो क्या आता है हमारे पास, 2 आता है, -Y1 और -1 को इक्वेट करते हैं तो 1 आता है, और -Z1 और +2 को इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा, -2 आएगा। तो इस तरह से आपको इक्वेट करना होता है। ठीक है, अब ये हमारे पास पासिंग पॉइंट भी आ चुके हैं लाइन के। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, अब हम बात कर लेते हैं भैया प्लेन की, इधर कर लेते हैं। ठीक है, इधर अगर हम बात करते हैं प्लेन की, अब प्लेन की अगर हम बात करते हैं तो ए बी और जो सी है उसकी क्या वैल्यूज होंगे उसको हम देख लेते हैं। सिंपल है, देखिए ए क्या है, एक्स का कोफिशिएंट, और जो बी है वो वाई का है, और सी जेड का है, तो 1 है यहाँ पर ए के कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट तो 1, और यहाँ पर देखिए 3 आ गया बी, और यहाँ पर देखिए जेड का कोफिशिएंट -α है, साइन के साथ लेना है, फिर से आपको मैं बता रहा हूँ साइन के साथ लेना है, बिल्कुल भी गड़बड़ी नहीं करनी है। ठीक है, अब ये क्या है हमारे पास, ये हमने देखा था ये डायरेक्शन रेशियोज है, तो हम लिख देते हैं डायरेक्शन रेशियोज है किसके, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ प्लेन एंड नॉर्मल टू प्लेन, दोनों के हैं, किसके, नॉर्मल के भी हैं और प्लेन के भी हैं। देखिए डायरेक्शन रेशियो चेंज नहीं होते, अगर आप इसका कोई भी प्लेन है उसके डायरेक्शन रेशियोज अगर आप देखते हैं, उस प्लेन के जो नॉर्मल है उसके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं, दोनों के डायरेक्शन रेशियोज बराबर होंगे, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं होगा। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, देखिए हमने नॉर्मल देखा था ऊपर डायग्राम में, दोबारा से हम डायग्राम पे आ जाते हैं, डायग्राम में हमने देखा था, तो इसके डायरेक्शन रेशियो में किस से लिख रहा हूँ, ये जो ब्रैकेट है ये वाला, इसको मैं लिख रहा हूँ, तो इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, 1-3-α, जो कि थे हमारे किसके, प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, तो जो प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं वही नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, इस फैक्ट को भी आपको याद कर लेना है। अब देखिए यहाँ पर एक बात जो मैंने आपको बताया था, ये हमारे पास क्या है, ये देखिए, ये यहाँ पर देखिए लाइन है, मैंने ये एरो नहीं बनाई, ये लाइन है। ठीक है, ये मैं यहाँ पर इस तरह से एरो बना लेता हूँ दो तरह से, जिससे कि आपको समझ आएगा क्या है, ये प्लेन की पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये लाइन को एल से, तो ये जो नॉर्मल है और जो लाइन है जो पड़ी है हमारे पास प्लेन में, तो ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, कैसे हैं वो आपको समझ आ गया, अगर नहीं आया तो थोड़ा सा वीडियो को रिमाइंड कीजिए, पीछे से कीजिए, आपको समझ आ जाएगा। तो ये अगर परपेंडिकुलर है तो इसका जो अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट देखेंगे डायरेक्शन रेशियो उसका, तो वो क्या आएगा, 0 के बराबर आएगा, तो वही अब हमें इसी में करना है। तो एल के डायरेक्शन रेशियोज में यहीं लिख देता हूँ, वो हमारे पास कितने, ए बी और सी के बराबर है, वो कितने कितने हैं, 3 है, -5 है और 2 है। ठीक है, मैं इस तरह के जो ब्रैकेट्स हैं उनको यूज कर रहा हूँ डायरेक्शन रेशियोज को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, देखिए सिंस एन जो नॉर्मल है एंड जो एल है लाइन के जो वेक्टर है, दोनों ही क्या है, परपेंडिकुलर है, किस किस के, अपने आप के, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, देयरफोर क्या हो जाएगा, जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल डॉट डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन एल वेक्टर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर का यही केस होता है कि उसका जो डॉट प्रोडक्ट होता है कोई भी दो वेक्टर्स का वो 0 हो जाता है। ठीक है, तो यहां से हम डालते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास डायरेक्शन रेशियोज, हम किस तरह से लिख रहे हैं, ब्रैकेट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हो जाएगा 1-3 और -α, और इसका अगर हम डॉट करते हैं इसके साथ 3-5 और 2, यही तो है, इसको हम 0 करेंगे। अगर हम देखते हैं, देखिए डायरेक्शन रेशियो थे क्या, ये हमारे पास किसका, एक्स का कोफिशियंट है, किस में, जो नॉर्मल की इक्वेशन, मतलब कि जो प्लेन की इक्वेशन है, ये हमारे पास एक्स का है, ये वाई का है, जेड का है, सिमिलरली ये लाइन की इक्वेशन में भी एक्स का कोफिशियंट है, ये वाई का है और ये जेड का है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो एक्स का है उसको एक्स के साथ और वाई का वाई के साथ और जेड का जेड के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब कर लेते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा -15, 3 5 15 माइनस का आएगा -2α इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से इसको हम सॉल्व कर ले तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है, बताओ बताओ बताओ, -6 आ गई है, आ गई ना।
अब इसके आगे हमें क्या करना है, एक और बात हमें ध्यान रखनी है। अब आगे देखिए क्या करना है। देखिए मैंने आपको बताया था लाइन पे एक पॉइंट हमारे पास, हमने रैंडमली ए ले लिया है। अब ए की हमारे पास एक पासिंग वैल्यू हमें दे रखी है पहले से, 2, 1 और -2 हमें दे रखी है, x1 और y1 और z1 की। तो अब हम क्या करेंगे, जो ये वैल्यूज हैं तो ये लाइन पे हैं, तो लाइन पे है मतलब कि क्या है कि लाइन इनको सेटिस्फाई करेगी इन पॉइंट्स को। सिंस ए 2, 1, -2 lies on plane, then it should satisfy, किसको सेटिस्फाई करेगा, जो प्लेन की इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करेगा ही ना, बिल्कुल करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि वो लैंड किस पे पड़ी हुई है, किसके अंदर पड़ी हुई है, उस प्लेन के अंदर पड़ी हुई है। तो अगर लैंड प्लेन के अंदर है तो जो पॉइंट होगा वो भी किसके अंदर होगा, उस प्लेन के अंदर होगा, तो इसलिए वो पॉइंट भी प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहां से अगर मैं देखता हूं, देखिए हमें क्या डालना है, x1 y1 और z1 की जो वैल्यूज है वो कितनी कितनी है, 2, 1, -2 जो पॉइंट है पासिंग पॉइंट वो हमने डाल दिया। तो यहां से अगर हम इसको सॉल्व कर दिया तो कितना हो जाएगा, 2 + 3 + 2 α हो जाएगा प्लस बीटा हो जाएगा = 0 हो जाएगा। तो यहां से अगर हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 - 12 + β = 0। ठीक है, मैंने अल्फा की वैल्यू भी डाल दी और इसको सॉल्व कर लिया। वैसे बीटा की कितनी वैल्यू आ गई बताओ, कितनी हो गई, +7 हो चुकी है। तो बीटा भी आ गया, अल्फा भी आ गया ऊपर। तो यहां से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, देयरफॉर α, β इज इक्वलेंट टू, किसके इक्वलेंट हो गया, -6, 7 के। और यही हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट बच जाता है, कमेंट आपके पास है तो उसको आप जाके कमेंट में पूछ सकते हैं, और फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप वीडियो को एक बार दोबारा से देख सकते हैं। अगर ये जो सलूशन हमने डिस्कस किया है ये आपको चाहिए तो आपको एक छोटा सा काम करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर आपको इस पेज की लिंक मिलेगी, उस पर आप क्लिक करेंगे तो उस पेज को डाउनलोड कर लेंगे और बिना इंटरनेट के आप कहीं पे भी उसको यूज कर सकेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलता हूँ अगली वीडियो में अगले डाउट क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय, टाटा।